फर्स्ट अक्टूबर के लागू होने से पहले ही पिछले 6 साल के टैक्स नोटिसेस कैलकुलेटेड एट एन इवन हायर रेट हैव बीन सेंट टू दीज ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज। एक इंडस्ट्री जिसकी रेवेन्यू है 23,000 करोड़, आप उस इंडस्ट्री को 1.5 लाख करोड़ के अगर आप टैक्स नोटिसेस भेज देंगे तो ये क्या है? ये उस इंडस्ट्री को खत्म करने का तरीका है? ना सिर्फ इतना, ये दिखाता है कि हमारे देश में, ये सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को दिखा रहा है कि हमारे देश में एक अनसेफ इराटिक इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट है। तो क्यों कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहेगा? तो आज इस मुद्दे को दिल्ली सरकार ने जीएसटी काउंसिल में रखा और हमें उम्मीद है कि जीएसटी काउंसिल आगे चल के इसको कंसिडर करेगा। हालांकि अभी केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई हमें अश्योरेंस नहीं मिला है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ से दिल्ली सरकार आवाज उठाती रहेगी।